आज का पहला सेंटेंस है, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैं कह चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू कई बार, सो मैनी टाइम्स। तो यह सेंटेंस बनेगा, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने इडली सांभर कहीं और बेचने के लिए, मतलब किसकी कह चुका हूँ, अपने इडली सांभर कहीं और बेचने के लिए। तो कहीं और के लिए हम बोलते हैं समवेयर एल्स, समवेयर एल्स। बेचना के लिए सेल, टू सेल, टू सेल योर इडली सांभर, अपने इडली सांभर, टू सेल बेचने के लिए समवेयर एल्स, टू सेल योर इडली सांभर समवेयर एल्स। क्या तुम नहीं समझती, डोंट यू अंडरस्टैंड, सिंपल सा सेंटेंस है, डोंट यू अंडरस्टैंड। अंकल आप मुझसे इस तरह से बात क्यों करते हैं, तो कंप्लेन की जा रही है कि इस तरह से बात क्यों करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो व्हाई डू यू टॉक, आप क्यों बोलते हैं या बात करते हैं, व्हाई डू यू टॉक टू मी, मुझसे, लाइक दिस, इस तरह, व्हाई डू यू टॉक टू मी लाइक दिस। मैं केवल अपना काम कर रही हूँ, कॉन्टीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, आई एन जी लगेगा। तो आई एम जस्ट वर्किंग माई वर्क, देखिए मैं अपना काम कर रही हूँ होता तो हम बोलते आई एम वर्किंग माई वर्क, लेकिन मैं केवल अपना काम कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क। ना तो मुझे तुम लोग पसंद हो, ना तुम्हारा काम, देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ना तो मुझे यह पसंद है ना ही वो, उसमें हम यूज़ करते हैं नीदर और नॉर का। तो ना तो मुझे तुम लोग पसंद हो, नीदर आई लाइक यू पीपल, मतलब तुम जैसे लोग, यू पीपल, और ना ही तुम्हारा नाम, काम, नॉर योर वर्क। यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है, ना ही तुम्हारा काम, नॉर योर वर्क। तो नीदर आई लाइक यू पीपल नॉर योर वर्क, ना तो मुझे तुम लोग पसंद हो ना तुम्हारा काम। कोई तुम्हारे चावल के लड्डू को नहीं खाता, देखिए चावल के लड्डू का मतलब यहाँ इडली से ही है, तो कोई भी के लिए आएगा नो वन, खाना चाहता ईट्स, नो वन ईट्स योर राइस लड्डूज, कोई तुम्हारे चावल के लड्डू को नहीं खाता, नो वन ईट्स योर राइस लड्डूज। अंकल मैं नहीं समझ पाती, ये समझना को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाती डोंट अंडरस्टैंड, अंकल आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाती, अंकल आई डोंट अंडरस्टैंड, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग विद यू, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग विद यू, या व्हाट डिड आई डू टू यू, मैंने आपके साथ क्या किया है। तो इसमें यही लिखा है कि वॉट डिड आई डू टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, सकता वाले जो सेंटेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हम कैन यूज़ करते हैं। तो यू कांट डू, तुम कुछ नहीं कर सकती एनीथिंग टू मी, मेरे साथ, यू कांट टू डू एनीथिंग टू मी। तुम लोग बस आते हो और हमारी जॉब ले लेते हो, तुम लोग बस आते हो, यहाँ बस के लिए हमने यूज़ किया है जस्ट, यू पीपल जस्ट कम, तुम लोग बस आते हो, यू पीपल जस्ट कम, और एंड हमारी जॉब ले लेते हो, एंड टेक अवर जॉब, एंड टेक अवर जॉब, यू पीपल जस्ट कम एंड टेक अवर जॉब। मैडम यहाँ से कुछ मत खाइए, देखिए कि अलग ही तरह का सेंटेंस है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखा है, और जबकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, उसमें कुछ इस तरह के हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ मत जाओ डोंट गो देयर, या मत खाओ डोंट ईट, कुछ इसी तरह से मैडम यहाँ से कुछ मत खाइए, मैडम डोंट ईट एनीथिंग फ्रॉम हेयर, डोंट ईट कुछ मत खाइए एनीथिंग कुछ भी फ्रॉम हेयर, यहाँ से डोंट ईट एनीथिंग From here। वह गंदी सब्जियाँ प्रयोग करती है, सिंपल सेंटेंस है, She uses
डर्टी वेजिटेबल्स, अगर सड़ी हुई सब्जियां बोलेंगे तो हम यहाँ रोटन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं. शी यूजेज रोटन वेजिटेबल्स, सी यूजेज डर्टी वेजिटेबल्स. मैं केवल एक बार खाकर ही बीमार पड़ गया. बीमार पड़ने को बोलते हैं गॉट सिक. बीमार पड़ जाना, गॉट सिक, सिक माने बीमार होना. तो आई गॉट सिक, मैं बीमार पड़ गया सिर्फ एक बार खाकर, जस्ट बाई ईटिंग वंस. आई गॉट सिक जस्ट बाई ईटिंग वंस, मैं केवल एक बार खाकर ही बीमार पड़ गया. यदि तुमने कभी दोबारा यहाँ पर अपने स्टॉल खोली, देखिए कभी कभी के लिए हम यूज़ करते हैं एवर. एवर क्या, तुम कभी वहाँ गए हो, एवर हैव यू विजिट देयर, तो इस तरह से हम एवर यूज़ करते हैं. तो यदि तुमने कभी, इफ़ यू एवर ओपन योर स्टॉल, अपनी स्टॉल खोली, अगेन हेयर यहाँ दोबारा, तो इफ़ यू एवर ओपन योर स्टॉल अगेन हेयर, यदि तुमने कभी दोबारा यहाँ पर अपनी स्टॉल खोली तो तुम्हें पछताना पड़ेगा. पछताना को इंग्लिश में बोलते हैं रिग्रेट. तुम्हें पछताना पड़ेगा फ्यूचर टेंस है. तो के लिए हमें यूज़ करेंगे देन. देन तुम्हें पछताना पड़ेगा, यू विल रिग्रेट इट. इसके लिए मतलब तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा, देन यू विल रिग्रेट इट. सो फ्रेंड्स, आई होप ये सभी सेंटेंसेज आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ इम्पोर्टेंस आपको बताने के लिए हो तो ज़रूर बताइए.